क्या मुसलमानी बहनों ने क्या उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं उठाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ाते नहीं है फ्री में, सबके लिए समान है। मोदी जी को गिराना चाहते और कुछ भी नहीं है, पप्पू पप्पू रहेगा। ये सवाल तो आपको पूछना ही है ये कि 2024 में कौन बताइए, मोदी जी और कौन? एक माने नरेंद्र मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, जिन्होंने सिलेंडर में 200 रुपए कम करे। पीएम मोदी जी से कहना जग घूमिया थारो जैसा ना कोई। कि विपक्षी पार्टियां महंगाई की बड़ी बात करती हो, क्या हुआ? आमदनी भी तो बढ़ाई है, रोजगार भी तो दिया है, नवनिर्माण भी तो किया है। कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से मोदी जी ने सिलेंडर 1200 mm एक बार सोचिए। अरे कोई फर्क, देखो सिलेंडर जिनको सब्सिडी 1200 नहीं है, 900 रुपए हो गया है। मैं कुछ नाम लूंगा आप लोगों को और आप लोगों को बताना है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, हाँ और ना में ही जवाब होना चाहिए। ममता बनर्जी नहीं, अरविंद केजरीवाल नो, नीतीश कुमार नो, राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी उनका जवाब ही नहीं है। वो पुरुषों में उनको नहीं गिना जाता है, महापुरुषों में गिना जाता है। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई ना, उन्होंने सिर्फ शोषण ही करा है और लोगों से खाया ही है, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, खाया है और लेके खाया, क्योंकि उन्होंने कमाना तो सीखा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मोदी और अडानी की दोस्ती है जो देश बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है, एकजुटता है जो कि रोजगार दे रही है, काम दे रही है। अगर डॉक्टर की सीट पर हम किसी आम व्यक्ति को बिठा दें तो वह जैसे डॉक्टर का इलाज नहीं कर सकता, ऐसे बिना प्रशिक्षण लिए हुए कार्यकर्ता किसी देश की बागडोर को अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकता। भारत के प्रधानमंत्री जाबाज दिलेर दिखाई जाए, अब विश्व के शेरों में बब्बर शेर दिखाई जाए। यह समय उन गठबंधनों के लिए मैं कहूंगा कि वे अपना थूक कर उस थूक को चाटने का काम करें। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि जी अभी हम गठबंधन में हैं और ये बिहार और ये राजस्थान में हमारी सरकारें आएंगी, आज उनको नसीहत लेने की आवश्यकता है कि गठबंधन करने से, पापियों को एक जगह एकत्र करने से आप किसी राज्य में विजय हासिल नहीं कर सकते। राज्य में विजय हासिल करने के लिए आपको अच्छे कार्य करने होंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। तीन राज्यों में जिस प्रकार से, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने को मिली है, ऐसे में महिलाओं के अंदर भी उतना ही जोश और उमंग है जितना पुरुषों के अंदर होता है। और 33% आरक्षण के बाद तो एक अलग ही जोश उमंग दिख रहा है। तो क्या लग रहा है 24 में कौन है? 24 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 300 प्लस जो ये जो आज की डेट में जो उनको मेंट मिला हुआ उससे ज्यादा ही आएगा 24 में। चौबीस में ये सवाल तो आपको पूछना ही है कि 2024 में कौन बताइए, मोदी जी और कौन? आप मोदी जी और कौन कह रही हैं? वहाँ पे और कौन के लिए नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चक्कर में कोई नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, नारेबाजी रुक जाइए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा मोदी जी ने नारियों के लिए क्या कर दिया जो इतना जोश उमंग देख? नारियों के लिए रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने, महिला अब एमपी के इलेक्शन में महिला लड़ेंगी। अच्छा, हाँ एक बात बताइए, महिलाओं के लिए कभी कुछ पूछा ही नहीं, कभी कुछ चाहा ही नहीं, कभी जाना नहीं, कभी कोई डिमांड नहीं करी, कभी सोचा नहीं। एक माने नरेंद्र मोदी जी हमारे पिता तुल्य है, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के लिए आगे बढ़कर 33% आरक्षण दिया, सिलेंडर में 200 रुपए कम करे, उज्ज्वला योजना करे, सिलेंडर पर 200 कम करे लेकिन बढ़ाए कितने वो भी तो बताइए। बढ़ाने के बाद भी क्या हुआ? आमदनी भी तो बढ़ाई है, रोजगार भी तो दिया है, नवनिर्माण भी तो किया है, फ्लाई ओवर भी तो किया है, सब्सिडी भी तो दिया है, योजनाएं भी तो दी हैं, उन्हें भी तो देखिए, किसान योजना दी है, मुद्रा योजना दी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग गृहस्थी जो दूसरी सरकारें सिर्फ सोच रही थी वो मोदी जी ने करके दिखाया। आप लोग सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितना आप लोग बाहर देखते हैं उतना ही गृहस्थी भी संभालती है, तो लोग महंगाई की, विपक्षी पार्टियां महंगाई की बड़ी बात करती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? नहीं महंगाई तो विपक्ष के टाइम में भी महंगाई थी। अच्छा ये देखो ना कि जो हमारा कितनी प्रॉब्लम आई है, हमारा जो बीमारी जो कोरोना के वजह से कितनी प्रॉब्लम आई है, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो देश को बैलेंस कर लिया। अच्छा। और किसी के बस की नहीं था ये। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही कह रही है, कोरोना हाँ। के टाइम पे जिस तरीके से मोदी जी ने सिलेंडर 1200 mm एक बार सोचिए। अरे कोई फर्क, देखो सिलेंडर जिनको सब्सिडी 1200 नहीं है, 900 रुपए हो गया, 903 रुपए हो गया, घट सर उज्ज्वला योजना वाला 600। और अगर सब्सिडी जा रही है तो वो उन महिलाओं के लिए जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई ना, उन्होंने सिर्फ शोषण ही करा है और लोगों से खाया ही है, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, उन्होंने सिर्फ खाया है और लेके खाया, क्योंकि उन्होंने कमाना तो सीखा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मोदी और अडानी की दोस्ती है जो देश बर्बाद कर रही है। नहीं, दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है, एकजुटता है, जो कि रोजगार दे रही है, काम दे रही है, तरक्की कर रही है, उन्नति कर रही है, तरक्की उन्नति करी, वो रोजगार दे के कह रही है कमाना सीखो और करके खाना सीखो, स्वयं का रोजगार दे रही है। अब वहाँ देखिए दूसरी जितनी नाम लेना चाहूंगा मैं, कुछ नाम लूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को बताना है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, हाँ और ना में ही जवाब होना चाहिए। ममता बनर्जी नहीं, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार नहीं, राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, एक सेकंड, मोदी जी पे एक आरोप और लगाया जाता है कि वो हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा, वो धर्म निरपेक्ष बात करते हैं, वो धर्म निरपेक्ष बात करते हैं, धर्म निरपेक्ष बात करते हैं, वो योजनाएं सबके लिए है, ना कि वो किसी एक धर्म के या किसी एक जाति के लिए है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, सबके लिए समान है, सबके लिए योजना लेके आ रहे हैं। बताइए कब हिंदू मुसलमान कराए, क्या मुसलमानी बहनों ने क्या उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं उठाया, सुकन्या का फायदा नहीं उठाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ाते नहीं है फ्री में, सबके लिए समान है। ये सब कुछ नहीं है, दूसरी जितनी पार्टियां उनकी त्रुटियां हैं, उनकी योजनाएं फूट डालो, शासन करो, मोदी जी को गिराना चाहते और कुछ भी नहीं है, पप्पू रहेगा। और पप्पू कह रही हैं वो प्रधानमंत्री बनने वाले, बने हम जैसे बनने ही नहीं देंगे, हम जैसी लोग कहेंगे कि भाजपा समर्थक है इसलिए बोल रही है, वरना पूरे देश में राहुल गांधी की लहर नहीं है, हम मोदी जी के सही, हम इसके समर्थक है, पीछे से वो गिनवा रहे 3 राज्य जीत गए, हाँ तो हम जीत ही गए हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं, नारेबाजी पे लौटेंगे। 3 राज्यों की जीत तो आप लोग नोट कर रही हैं, लेकिन कर्नाटका की हार, हिमाचल प्रदेश की हार भी तो याद रखिए। कोई बात नहीं, सब चलता है, ऐसा कुछ धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है, बदलाव आ रहा है, बदलाव आ चुका है, वहाँ भी आएगा, सब्र कीजिए वहाँ भी आएगा। 350+। एक बात बताइए, आज से एक अलग नारा चलने वाला है कि भैया ईवीएम हैक हो गया है, तो ईवीएम हैक हुआ है या क्या? जब और लोग जीतते तो जी भी हैक नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही आएंगे, दैट्स इट। जय श्री राम, जय श्री राम। ईवीएम हैक हुआ है क्या? नहीं, जी। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं सर, जीत में इतनी महिलाओं ने तो आपका इतना साथ दे दिया, पट्टा बीजेपी का, ब्रॉज बीजेपी का, दिल में बीजेपी, हर जगह बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी। देखिए आप इस भाई साहब, आप इस पटके को देख के तो हम कह सकते हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन और हम तो फिर भी एक प्रशिक्षण लिए हुए कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो बिना प्रशिक्षण के गद्दियों पर आकर बैठ गई हैं, जो बिना प्रशिक्षण के गद्दियों पर आकर बैठी हैं वो कभी देश का भला नहीं कर सकती। अगर डॉक्टर की सीट पर हम किसी आम व्यक्ति को बिठा दें तो वह जैसे डॉक्टर का इलाज नहीं कर सकता, ऐसे बिना प्रशिक्षण लिए हुए कार्यकर्ता किसी देश की बागडोर को अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकता। वही तो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम, मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक शिक्षित कार्यकर्ता है, परिपूर्ण कार्यकर्ता है और अनुशासित कार्यकर्ता है, बिल्कुल इसका मुकाबले का कार्यकर्ता और किसी पार्टी के अंदर नहीं पाया जाता। और अभी हमने जो 3 राज्यों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है सर, आपने चाहे 3 राज्य जीते, इससे पहले आपने जितने राज्य जीते, कहा जाता है कि इनके पास मोदी है इस वजह से जीत जा रहे, वरना राज्यों में इनके पास कोई नहीं। देखिए अगर घर का मुखिया अच्छा है तो बाकी के सारे लोग अपने आप ही ठीक रहते हैं। अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पे आके बाकी के सदस्य भी आगे आके कहें। हाँ। अगर फ्रंट पे हमने मोदी जी को रखा है तो हम फ्रंट पे मोदी जी को ही रखेंगे, हम तो उनके सहायक हैं, जैसा वो हमें दिशा और निर्देश देते हैं हम उनकी दिशा और निर्देश का पालन करते हैं। अच्छा। और चलते हैं हम, दिशा निर्देश तक तो ठीक है सर, लेकिन इस बार थोड़ा तो खौफ बना होगा ना कि भैया 28 दल एक तरफ हो गए हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तो एक बार 24 में तो हरा के ही रहने वाले। उन 28 उन यस यस हमें
यह समय चोरी इकट्ठे हो गए हैं। यह समय उन गठबंधनों के लिए मैं कहूंगा कि वे अपना थूक कर उस थूक को चाटने का काम करें। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि जी अभी हम गठबंधन में हैं और ये बिहार और ये राजस्थान में हमारी सरकारें आएंगी, आज उनको नसीहत लेने की आवश्यकता है कि गठबंधन करने से, पापियों को एक जगह एकत्र करने से आप किसी राज्य में विजय हासिल नहीं कर सकते। राज्य में विजय हासिल करने के लिए आपको अच्छे कार्य करने होंगे, अच्छे काम करने होंगे, तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी लोग आप सत्ता में आएंगे, तभी आप राज्य करेंगे। कचरा भी एक तरफ राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये सब एक तरफ एक वोट बैंक को टारगेट करके जीतने के प्रयास में लगे हैं और कहा जा रहा है कि उस वोट बैंक को टारगेट करके हम जीत जाएंगे क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटे हुए हैं। हिंदू जातियों में बटे हैं, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, जो विपक्षी लोग हैं जो कहते हैं कि हम उनको अपने वश में करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब उनका भी वोट हमारे पक्ष में आ रहा है। अच्छा। क्योंकि कुछ हमने ऐसे कार्य किए हैं, जैसे तीन तलाक का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने सॉल्व किया है। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक की महिलाएं भी हाँ। हमें पसंद करती हैं और मोदी जी को पसंद करती हैं, तो मेलोनी भी मोदी जी को पसंद करती है। बिल्कुल मेलोनी हो गया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये तीन राज्यों को होना पड़ेगा, हम निष्पक्ष रहेंगे सर, वो मत सोचिए। तीन राज्यों की वजह से ये सिद्ध होता है कि 2024 में निसंकोच मोदी जी की सरकार आएगी और मोदी जी पुनः फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास की राह इसी तरह तेज गति से दौड़ेगी और पूरे राज्य में, पूरे देश में इसी तरीके से चहुमुखी विकास होगा। और हम की बार 400 पार, 400 पार, वो कह रही है 300 पार, 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। मंडल के मेरे महामंत्री हैं तिवारी जी, सुनील तिवारी जी कहाँ हैं? सुनील तिवारी जी मेरे साथ हैं। हाँ। ये कुछ गा के आपको मोदी जी के बारे में कुछ बताएंगे। अच्छा। तो मतलब गीत के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे भाई साहब। देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जवाब ही नहीं है, वो पुरुषों में उनको नहीं गिना जाता है, महापुरुषों में गिना जाता अच्छा। है। हाँ, और महापुरुष वही होते हैं जो राम, श्री राम जी थे अपने, वो हाँ। महापुरुष थे हाँ। और हम उनके उनके बाद अपने मोदी जी को महापुरुष मान सुना दीजिए सर, इतना ऑडियंस वेट नहीं हो। मोदी मोदी की कहानी सही अच्छा। कि जोगी जोगी के जुबानी सही अच्छा। पार्टी बीजेपी के बात सही, नहीं कोई परेशानी सही। अरे मोदी जी के जैसा मोदी जी जैसा कोई पीएम ना कोई अच्छा। मोदी जी जैसा कोई पीएम ना कोई। मोदी मोदी की कहानी सही, हो जोगी जोगी की जुबानी सही। पार्टी बीजेपी के बात सही, ना ही कोई परेशानी सही। पीएम मोदी जी से कहना, जग घूमिया थारो जैसा ना कोई, जग घूमिया थारो जैसा ना कोई। मोदी मोदी की कहानी सही, हो जोगी जोगी की जुबानी सही। मोदी मोदी की कहानी सही, मो जोगी जोगी की जुबानी सही।